हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एबीसी एंड डीबीसी दीज आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मीन्स इसमें दो साइड्स क्या हों, इक्वल हों, ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी पे। अब आइसोसेलेस हैं ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। बीडीसी आइसोसेलेस है तो बीडी इज इक्वल टू किसके होगा, डीसी के। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ए एंड डी इस ट्रायंगल का वर्टिसेस एंड डीबीसी का वर्टिसेस बीसी के ए की साइड है, सेम साइड। इफ एडी इज एक्सटेंडेड, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगी। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट होगी, एंड ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये तीन पार्ट हमने शो कर दिए हैं। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले हम गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी हमें क्या क्या गिवन है, दोनों आइसोसेलेस हैं। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के, एंड डी बी जो है वो इक्वल है हमारा डी सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी। फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव करना है हमने, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पे। अब ए बी इज इक्वल टू किसके है, ए सी के। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। देन ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। ए डी जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। थर्ड वन इज बी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है। तो तीनों साइड जो हैं इन ट्रायंगल्स की क्या होगी, इक्वल होगी, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला एंगल जो है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू के होगा। सो एंगल वन वहां पे जो हमने लिया हुआ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सीपीसीटी। ठीक है, इसका यूज होगा इसलिए मैंने लिया। यहां तक हमारा प्रूव हो चुका था। सेकेंड पार्ट अगर हम करें, सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी एंड ए सी पी। यहाँ पे भी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, साथ में ए ए पी, ए पी इसमें भी है, ए पी इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन। और इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल वन, और यहाँ पे एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हमने प्रूव कर दिया। अभी हमने इसको प्रूव किया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या चाहिए, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीज़ें चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और बाइसेक्टर भी चाहिए। अब बाइसेक्टर तो यहाँ पे हमारे पास बी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी पी हो गया। दिस इंप्लाइज बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी पी सी टी, एक चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो इक्वल होगा, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज सेम सी पी सी टी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री, वाई? इट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर की वजह से ये क्या हो गया, 180 हो गया. सो एंगल 3 एंड 4 तो दोनों इक्वल हैं, सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 3 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री हो गया तो एपी जो है, सो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हैंस ये हमारा प्रूव हो गया. तो बहुत ही आसान सा था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल टू एसी. ड्रा कर लेते हैं हम. हमारे पास ट्रायंगल एबीसी में जिसमें आइसोसेलेस है, एबी इज इक्वल टू एसी एंड एडी इज एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है, ठीक है, ए डी. शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी. ए डी बाइसेक्ट बी सी दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये शो करना है. एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. बहुत ही आसान सा है. सॉल्यूशन देखें, गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी हमें दिया हुआ है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे. अब इन ट्रायंगल रू कर रहे हैं हम, मैंने दो ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है. ए बी जो है ए सी के इक्वल है. ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारा क्या है, कॉमन है. एंड एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90, ईच 90 डिग्री. तो देखिए हमारे पास RHS रूल बनेगा. हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. हाइपोटेन्यूज इक्वल है हमारा, एक साइड इक्वल है और एक राइट तो है ही हमारे पास ही, एक एंगल 90 डिग्री का है. तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी. किसी और तरीके से भी होती है ये. दूसरा तरीका क्या है, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड हमारे पास क्या है, ये भी इक्वल है. यहाँ पे दो एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो इसके सामने वाला ट्रायंगल सी, इसके सामने वाला ट्रायंगल बी, ये दोनों इक्वल हो गए. दो एंगल और कोई भी साइड हमने ले ली, तो भाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दी, ये हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो रही है. ऐसा हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी. सो बी डी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए डी, ए डी बाइसेक्ट बी सी, और साथ में हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी हमारे पास क्या हो गया, सी पी सी टी से है. दैट मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल ए. तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.